मेहमान वाले बयान पर मंत्री ने माफी मांगी है। मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने खेद जताया है। दरअसल अतिथि शिक्षकों को मेहमान बताया था और अतिथि शिक्षक हमारे अपने हैं। मंत्री महोदय ने बाद में कहा उन्हें तकलीफ हुई है, तो मैं इस पर खेद प्रकट करता हूं। और उन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अतिथि शिक्षक भी उनके अपने हैं। मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, कहीं कोई विसंगति नहीं है। और मैंने कहा भी, मैंने कहा हमारे बच्चों को जिन्होंने अतिथियों ने शिक्षण व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अगर उनको तकलीफ हुई तो स्वाभाविक रूप से हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अतिथि शिक्षक हैं, हमारे अपने हैं, वो उनको अगर तकलीफ हुई तो मैंने कहा मैं खेद व्यक्त करता हूँ। इसमें कहीं कोई मुझे संकोच नहीं है, कोई संशय नहीं है। और कोलकाता में एमपी इन्वेस्टर्स समिट में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एमपी में निवेश को लेकर उद्योगपतियों से चर्चा की और उद्योगपतियों को एमपी में निवेश का न्योता दिया। उद्योगपतियों से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एमपी में निवेश की बड़ी संभावना है। और उनका यह भी कहना है कि अगर कोई उद्योगपति निवेश पॉलिसी से हटकर भी निवेश करना चाहता है तो हम पॉलिसी में बदलाव करेंगे। साथ ही सीएम ने कहा कि एमपी में निवेश के लिए लोगों ने भरोसा जताया है। हमारे सभी सेक्टर में बड़ी संभावना है, हेवी इंडस्ट्री, एमएसएमई, लघु कुटीर उद्योग, फूड इंडस्ट्री, टूरिज्म, माइनिंग, हर सेक्टर में बड़ी पैमाने पर उद्योग की संभावना है। ऐसे में इसी बात को लेकर के हम यहाँ कलकत्ता आए, बंगाल में बड़े पैमाने पर निवेशकों ने रुचि दिखाई है और मुझे समाधान है इस बात का कि हमारा आना सार्थक रहा। सरकार को लेकर के सरकार ने अलग अलग पॉलिसियाँ बनाई है और पॉलिसी के बाहर भी जाकर के कोई निवेशक आना चाहता है तो मैं स्वयं इसीलिए उपस्थित हुआ हूँ कि पॉलिसी में भी बदलाव करना है तो कैबिनेट से हम बदल करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि उद्योग लगे। कलकत्ता से जो रिस्पांस मिला है, ये भूतों ने भविष्य, इतनी बड़ी संख्या में सारे निवेशकों ने जो बात कही है, 700 से ज़्यादा लोगों का पंजीयन होकर के जगह ही नहीं मिली, हाल में कई लोग बाहर से चले गए, तो ये रिस्पांस बता रहा है कि मध्यप्रदेश में लोगों को बहुत भरोसा है। और महाराष्ट्र के पुणे के साधन चौक इलाके में एक ट्रक गड्ढे में समा गया। पुणे नगर निगम का ट्रक सिटी पोस्ट बिल्डिंग इलाके में आया था। ट्रक ड्रेनेज लाइन साफ करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जब ये ट्रक रिवर्स ले रहा था तो अचानक पीछे एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। गड्ढा धीरे धीरे गहरा हो गया और पुणे नगर निगम का पूरा ट्रक गड्ढे में ही समा गया। गनीमत रही कि इस ट्रक का चालक खिड़की से बाहर कूद गया और उसकी जान बच गई। घटना का वीडियो आया है सामने जो तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए तस्वीर, देखते ही देखते गड्ढे में जो ट्रक है वो चला गया और आधा से ज्यादा हिस्सा जो ट्रक का वो गड्ढे में है। और इसके साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ।